Morning students, I am Ashok, your educator. Today I have come with the chapter, The Portrait of a Lady. This is chapter 1 from textbook of English class 11, Hornbill. So, आज हम बात करेंगे पहले chapter की Hornbill से class 11. Chapter का नाम है The Portrait of a Lady. And the writer is Khuswant Singh. If you know, Khuswant Singh was a renowned author, lawyer, diplomat, journalist and politician. He has written lots of novels also. One of his most renowned novel is Train to Pakistan. It was published in the year 1956. And he was also a member of Raj Sabha from 1980 to 1986. Again, talking about this chapter, The Portrait of a Lady, it's an very interesting स्टोरी. और ये जो चैप्टर है इसमें खुशवंत सिंह की दादी के बारे में और दादी के खुशवंत सिंह के कैसे रिलेशन थे उसके बारे में मेनली बताया गया. एंड व्हेन वी सी द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर. खुशवंत सिंह की जो दादी हैं वो इस पाठ की मुख्य नायिका हैं और उनके बारे में बात चलेगी. इफ यू गो दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर की अपन जाएंगे तो ऐसा फील होगा कि दिस इज समथिंग लाइक अस ओनली. जैसे अपने रिलेशन अपने दादा दादी से होते हैं वैसा ही रिलेशन इसमें भी दिखाया गया है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आई विल गिव ईच एंड एवरी नॉट ओनली समरी बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल फ्रॉम दिस चैप्टर बिकॉज रिसेंटली especially during COVID times, you know, many questions are objective, even one-liner. तो इसके लिए आपको chapter की हर एक बारीकियों के बारे में जानना जरूरी होगा. So हम शुरुआत करेंगे chapter के The Portrait of a Lady. So chapter शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हमारी दोस्ती किससे ज़्यादा होती है जो हमारे ज़्यादा करीब होते. राइट, दोस्ती होने के लिए या प्यार होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, करीब भी होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए. एक छोटी सी स्टोरी भी है मनोविज्ञान में, हम समझाते हैं कि देयर वाज अ यंग मैन हु गॉट मैरिड. एक आदमी की क्या हुआ, शादी हो गई और ही वेंट टू अमेरिका. वो कहाँ चला गया, शादी के 3 महीने बाद ही वो अमेरिका चला गया. अब अमेरिका चला गया लेकिन ही यूज टू मिस हिज वाइफ अ लॉट, बहुत याद आती थी. तो क्या करता था, ही यूज टू राइट अ लेटर टू हिज वाइफ एवरी डे. वो क्या लिखता था, अमेरिका से चिट्ठी लिखता था. चिट्ठी कहाँ आती थी, इंडिया में आती थी. तो रोज एक लिखता था तो चिट्ठी देने के लिए एक पोस्टमैन आता था. देयर वाज यंग पोस्टमैन हु यूज टू कम. अब धीरे धीरे चिट्ठी आन, पहले तो वो इंटरेस्ट उसकी वाइफ चिट्ठी पढ़ा करती थी. धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट किस चिट्ठी में कम हो गया, पोस्टमैन में ज्यादा हो गया. एंड व्हाट हैपेंड, यू नो, आफ्टर ए ईयर और टू व्हेन ही केम बैक, जब वो वहां से अमेरिका से आया उसका हस्बैंड, तो क्या पाता है कि जो उसकी वाइफ थी उसने पोस्टमैन से शादी कर ली थी. सो दिस इज अ फनी स्टोरी समझाने के लिए. तो इसमें भी अपन देखेंगे, इस चैप्टर में अपन क्या देखने वाले हैं कि अप्स एंड डाउन्स इन द रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर. खुशवंत सिंह और उनकी दादी से शुरू में अपन देखेंगे बहुत करीबी रिश्ते थे, बहुत प्यार था. धीरे 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 वो क्या होती है, दूरियां बनती चली जाती हैं. दैट्स ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड आई एम श्योर यू लव दिस चैप्टर. Again, the story begins, you know, the chapter begins with a portrait. दादा पहले के जमाने में भी, अभी भी आप जाएंगे किसी भी जगह तो आप क्या देखते हैं कि जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है उनके क्या करते हैं, वो फोटो लगा देते हैं और फोटो लगा के उसके ऊपर माला चढ़ा देते हैं. तो ही इज टॉकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इज टॉकिंग अबाउट हिज ग्रैंड फादर. किसके बारे में बात करते हैं, अपने दादाजी के बारे में बात करते हैं. वो कहते हैं कि जो मेरे दादाजी हैं उनकी जो फोटो है वो ड्रॉइंग रूम में लगी हुई है. और खास बात यह है कि दादाजी मतलब इतने ज्यादा बूढ़े हैं कि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इससे ज्यादा और बूढ़ा होना संभव नहीं है. उनको देख के ऐसा लगता है कि उनके मतलब बच्चे नहीं, उनके बच्चों के बच्चे, बहुत सारे बच्चे होने चाहिए. और उनकी जो पहले के जमाने आप जानते हैं लोग
बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे रखना पसंद करते थे। तो द खुशवंत सिंह टॉक्स अबाउट द बियर्ड ऑफ हिज ग्रैंडफादर, उनकी दाढ़ी जो मूछे थी इतनी बड़ी बड़ी थी कि वो आगे उनके जो चेस्ट है वो सब पूरा चेस्ट किससे कवर हो जाता था, उनके सफेद मूछों से ही कवर हो जाता था। और फिर देन ही टॉक्स अबाउट कि ऐसा लगता है कि व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, देखने से ऐसा लगता था कि 100 साल से भी ऊपर के होंगे। और देन ही टॉक्स अबाउट कि फिर देन ही टॉक्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो, एज फॉर ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉर्डिंग, कहता है कि जो लोग कहते हैं कि जो मेरी दादी माँ जो है एक समय था जब वो बहुत सुंदर भी थी और जवान भी थी, लेकिन ये बात सुनकर विश्वास होता नहीं है, वो इतनी ज्यादा बूढ़ी इतना बूढ़ी है कि ऐसा लगता नहीं है कि कोई आदमी इससे ज्यादा बूढ़ा हो सकता है। अगेन ही प्रोसीड्स अतिशयोक्ति के रूप में कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो प्रेटी भी थी, कहीं बहुत सुंदर भी थी और यू नो वोंट बिलीव उनकी शादी भी हुई थी। तो शादी हुई है जब भी तो भी इसका खुशवंत सिंह क्या है पोता है, लेकिन जताना चाहता है कि इतनी बूढ़ी दादी है कि उनको देख के लगता नहीं कि कोई व्यक्ति इससे ज्यादा और बूढ़ा होना संभव है। देन ही टॉक्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर, देन ही सेज कि ये मैं मान सकता हूँ कि मेरी दादी अब क्योंकि अब बूढ़ी हो गई है काफी झुर्रियाँ आ गई हैं, तो जो मेरी दादी हो सकता है कि वो प्रेटी नहीं हो, देखने में उतनी सुंदर नहीं है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो देखने में उतना सुंदर हो भी नहीं सकता, तो उतनी प्रेटी नहीं हो, लेकिन मेरी दादी माँ बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल हियर इज मोर कंसर्न अबाउट इंटरनल ब्यूटी, अंदर से आप देखोगे ना तो इतनी शांत दिखती है, इतनी शांत दिखती है जैसे कि अपन पहाड़ों में बर्फ से जो पहाड़ हैं किस चादर से ढके हैं, बर्फ से ढके हों ऐसा फील होता है। देन ही व्हाट ही सेज कि इन माउंटेन एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वॉइस सेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंट, उनको देख के लगता है एकदम शांति मिलती है, कंटेंट मिलता है। अब देन अगेन ही गोज बैक एंड कहता, क्या कहता है कि जो मेरी दादी माँ थी और मैं, मेरी दादी और मैं आप बेस्ट फ्रेंड थे। क्यों बेस्ट फ्रेंड थे? क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड हैड गोन टू द सिटी, वो शहर चले गए थे जॉब के चक्कर में, और नॉट सेटल्ड, तो सेटल्ड नहीं थे तो मैं और दादी ही साथ साथ रहा करते थे। जब भी मैंने कहा था जब साथ रहोगे तो ज्यादा दोस्ती रहेगी। देन ही टॉक्स अबाउट मेरी दादी और मेरा एक फिक्स रूटीन था। क्या रूटीन था? सुबह उठते ही दादी मेरे को नहला धुला के तैयार करती थी, उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट देती, और नाश्ते में क्या देती थी वो कहता है व्हाट ही सेज, खुशवंत सिंह सेज की दादी माँ मेरे को रात की मोटी सी रोटी, उसके ऊपर मक्खन और उसके ऊपर चीनी, चीनी लगा के मेरे को नाश्ते के रूप में दिया करती थी। फिर क्या होता था, फिर वो जो बची हुई रोटियां होती थी ना रात की, और उसको दादी माँ उसको एक थैली में डाल लेती थी और मैं और दादी माँ दोनों कहाँ जाते थे, स्कूल की ओर चल देते थे। अब ये जानना होगा आप लोगों को कि भाई खुशवंत सिंह तो छोटा बच्चा है उसको तो स्कूल जाना है, लेकिन दादी माँ क्यों स्कूल जाया करती थी? क्योंकि ही सेज कि जो स्कूल और उसे सटा हुआ एक मंदिर था, और मंदिर में दादी क्या करती थी, भजन वजन करने लग जाती थी, दादी माँ मंदिर चली जाती थी और खुशवंत सिंह स्कूल चला जाता था, बीच में दोनों बात करते हुए आराम से जाते थे। जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो दादी माँ उसको लेकर, खुशवंत सिंह को लेकर वापस घर की ओर चल देती थी। और इतने में क्या होता था कि वो जो रोटियां लेके आई थी ना दादी माँ मॉर्निंग में, उन सबको कुत्तों को डाला करती थी और उनको बहुत अच्छा लगता था, कुत्ते भी आपस में रोटी खाने के लिए लड़ा करते थे, भागा करते थे, ये रोज का रूटीन था। देन ही प्रोसीड्स ऑन, फिर वो दादी पूछा भी करती थी कि भाई को आज स्कूल में क्या पढ़ाया, क्योंकि इट वॉज ए विलेज स्कूल, तो गांव के स्कूलों में ज्यादा स्पिरिचुअल चीजें बताई जाती हैं, रामायण गीता एंड ऑल दिस थिंग्स, जो दादी को ही पता थी, तो दादी भी खुशवंत सिंह की पढ़ाई में हेल्प किया करती थी। अब क्या होता है कि खुशवंत सिंह के मॉम एंड डैड सेटल हो जाते हैं, वेल सेटल हो जाते हैं सिटी में। अब सिटी में सेटल हो जाते हैं तो दोनों को बुला लेते हैं, किसको, खुशवंत सिंह को, दादी को, कि आप कहाँ आ जाओ, सिटी में आ जाओ शहर में। अब शहर में प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है शहर में कि इतने बड़े बड़े खेत नहीं होते, मकान भी बड़े नहीं होते हैं, रूम्स ही होते हैं, फ्लैट टाइप होता है। तो अब होता यह है कि खुशवंत सिंह और उनकी मॉम
मम्मी सॉरी खुशवंत सिंह उनकी दादी एक रूम शेयर करते हैं और बाकी लोग अलग शेयर करते हैं, दोनों एक ही रूम में रहते हैं तो अभी भी दोस्ती बनी रहती है। लेकिन दोस्ती में थोड़ा दरार आ जाती है। क्यों दरार आ जाती है कि पहले खुशवंत सिंह की दादी माँ उसको स्कूल तक छोड़ने जाया करती थी, अब प्रॉब्लम क्या है कि खुशवंत सिंह को लेने के लिए बस आया करती थी, तो दोस्ती में दूरी हो गई ना। जब लाने का और ले जाने का काम क्या हो जाता है, बस का हो जाता है। दूसरी दरार कहाँ आ जाती है दोस्ती में, ड्रिफ्ट क्यों हो जाता है कि गांव में स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल था, अभी जो शहर का स्कूल था इट वॉज इंग्लिश मीडियम स्कूल, अंग्रेजी माध्यम का स्कूल विद्यालय था। अब अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय था तो जो खुशवंत सिंह स्कूल से घर आता तो दादी माँ पूछती कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया, तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि ही यूज टू टॉक अबाउट इंग्लिश, यू नो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल इंग्लिश प्लस साइंस, जिसमें दादी को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो खा जो दादी थी वो क्या हो जाता था, खिल जाती तो उनको गुस्सा आता था कि ये स्कूल जो है ना अंग्रेजी माध्यम के स्कूल अच्छे नहीं है, इनको क्या पढ़ाना चाहिए, स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ाना चाहिए, धार्मिक चीज़ें पढ़ाना चाहिए, आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ाना चाहिए, वो ये पढ़ाते नहीं है। इसीलिए अब आगे क्या होता है, दादी उनसे पूछना बंद कर देती हैं कि स्कूल में क्या पढ़ा है। और एक दिन तो और हद हो जाती है, क्या हो जाती है कि खुशवंत सिंह की सिंस इट हैपेंस टू बी इंग्लिश मीडियम स्कूल तो इसमें म्यूजिक भी सिखाते हैं, यू नो। सो खुशवंत सिंह को नया लगता है, ही लव्स इट, वो भागा भागा घर आता है और सबसे पहले किसको बताता है, दादी को, दादी माँ आज तो हमारे स्कूल में म्यूजिक भी सिखाया गया। अब दादी का जो गुस्सा होता है कहाँ चला जाता है, सातवें आसमान पे चला जाता है। क्यों, कि पहले जमाने की कहानी है, उन जमानों में माना जाता था कि गाना नाचना ये जो काम है भिखारियों का या लोअर क्लास स्टेटा का काम है, ये हम लोगों का काम नहीं है। और दादी बहुत गुस्सा हो जाती है और खुशवंत सिंह से बात करना और कम कर देती है। अब बस एक दोस्ती के नाम पे क्या होता है, दोनों एक ही कमरा शेयर करते हैं। अब क्या हो जाता है कि कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है, अब कॉलेज जाने का होता है तो अच्छी पढ़ाई करनी है, ज़्यादा पढ़ाई करनी है, इसलिए खुशवंत सिंह का वो अलग से कमरा दिया जाता है। तो जो शेयरिंग का था, दे यूज टू शेयर रूम, कौन, खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर, वो भी अब खत्म हो जाता है। इन बिटवीन दादी क्या करती हैं, दादी मेनली उनका तीन काम होता है। पहला काम ये होता है कि दिन के अंदर वो क्या करती हैं कि जो रोटियां बची होती हैं उनको टुकड़े कर करके और बरामदे के अंदर चिड़ियाओं को रोटी के क्रम्बल्स टुकड़े देती है और उनको बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से बॉन्डिंग हो जाती है किसके किसके बीच में, दादी के बीच में और बर्ड्स चिड़ियाओं के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। चिड़ियाँ आती हैं फिक्स टाइम पे दाने के लिए, कभी कुछ चिड़ियाओं के सिर पे बैठ जाती हैं, कुछ हाथ पे बैठ जाती हैं, कुछ पाँव पे बैठ जाती हैं और इट लुक्स लाइक यू नो कि सी इज टॉकिंग विद देम, देयर इज ए डीप बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग उधर थी खुशवंत सिंह की वो थोड़ा कम हो जाती, इधर बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है। और क्या करती हैं दादी, दादी का दूसरा काम ये होता है कि वो हाथ में माला, रुद्राक्ष की माला या मोती का माला होता है ना, माला लेके चलती रहती है एंड सी कीप्स ऑन सिंगिंग सम स्पिरिचुअल थिंग, मे बी कुछ ना कुछ हो भजन या राम या जो भी हो, क्या करती हैं गाती रहती है और एक माला के मोती को पीछे करती चली जाती है। तीसरा क्या काम होता है कि वो क्या करती है कि चरखा स्पिनिंग व्हील, फ्री टाइम में वो धागा काटती है, स्पिनिंग व्हील को चलाती है। अब इट सो हैपेंस आगे कहानी चलती है, खुशवंत सिंह कहते हैं कि अब मेरे को हायर स्टडीज के लिए कहाँ जाना होता है, विदेश जाना होता है। अब उनको विदेश जाना है हाई स्टडीज के लिए और दादी सो तो ही इज वेरी वरीड, यू नो ही इज वेरी वरीड, उनको लगता है कि मैं कितने साल के लिए जा रहा हूँ विदेश, फॉर फाइव ईयर्स इज वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो। और जो दादी हैं, जो ग्रैंड मदर हैं, वो पहले ही बहुत ओल्ड लेडी हो गई है, तो उनको लगता है कि यू नो ही सेज कि सिंग द एज ऑफ ग्रैंड मदर वन कांट टेल एनीथिंग, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि पाँच साल में बाद जब मैं आऊँगा तो मेरे को दादी मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। मॉर्निंग में सबको जाना आता होता है, सब छोड़ने आते हैं, दादी माँ भी छोड़ने आती हैं, दादी माँ बिल्कुल भी वरिड नहीं होती, शी सो कॉन्फिडेंट काम एंड कूल, यू नो। और वहाँ पे वो क्या करती हैं, अपने मोती या रुद्राक्ष माला को फेरती रहती हैं एंड खुशवंत सिंह इज सो सरप्राइज, यू नो। और फिर क्या होता है, खुशवंत सिंह को दादी माँ क्या देती हैं, उसके सिर के ऊपर एक किस देती है। देन व्हाट द ऑथर टॉक्स अबाउट, खुशवंत सिंह कहते हैं कि मे बी दिस
This was the last piece of attachment between grandmother and me. उनको लगता है मैं वापिस आऊंगा, दादी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी. He's so worried. ऐसे कहते हुए खुशवंत सिंह चले जाते. Now what happens, you know, after 5 years, खुशवंत सिंह comes back. And to his surprise, you know, दादी मैं सबसे आगे उसको रिसीव करने के लिए खड़ी रहती हूँ. और वो कहते हैं कि दादी को देख के ऐसा लगता है कि मैं 5 साल पहले जब दादी को छोड़ के गया था, जब भी दादी मैं एकदम ऐसी की ऐसी थी और आज भी ऐसी की ऐसी ही है. लगता है कि एक दिन भी उनकी उम्र में इजाफा नहीं हुआ है. शी इज एज ओल्ड एज शी वॉज 5 ईयर्स बैक. और वो दादी से मिलते हैं, दादी उनको हक करती है, वो घर चले जाते हैं. अब थोड़ा सा चेंजेज आते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि दादी माँ माला फेरती हैं और चक्का चलाती हैं. उस दिन शाम को दादी माँ ये सब कुछ काम करती नहीं है. और दादी माँ क्या करती हैं, ढोलक लेके आती है. क्या लेके आती है? ढोलक लेके आती हैं और जो मोहल्ले की आसपास की सब लेडीज को बुला लाती हैं और सी स्टार्ट टू सिंग, गाना गाने लग जाती हैं. कैसे गाने? कि जैसे कि पहले के जमाने में जो सैनिक हैं, आर्मी पीपल हैं, जब ये युद्ध जीत कर आया करते थे, है ना, सॉन्ग्स ऑफ वॉरियर, तो गाना गाया जाता था. वैसे गाना गाती रहती हूँ, देर रात तक गाती रहती हूँ. जो घर वाले उनको खूब समझाते हैं कि दादी माँ बस करो, काफी हो गया, फिर वो मानती नहीं है. मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में दादी को फीवर हो जाता है. चेक करते हैं, फीवर हो जाता है, दे कॉल द डॉक्टर. डॉक्टर आके देखता है और डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है और आई एम गिविंग द मेडिकेशंस, मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, दवाई देना बिल्कुल ठीक हो जाएगी. एंड डॉक्टर गो जावे. दादी कहती नहीं नहीं बेटा, नाउ माय टाइम इज ओवर, यू नो आई एम अबाउट टू डाई. मेरा अब समय आ गया है, अब मैं इस दुनिया को छोड़ने वाली हूँ. मेरे को नीचे सुला दो, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी. तो घर वालों को खूब समझाते, नहीं नहीं दादी ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फीवर है. डॉक्टरों ने कहा है कि आप क्या हो जाएंगी, सही हो जाए. बोला नहीं नहीं मेरा टाइम खराब मत करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. अब मेरे को क्या करना है, माला फेरना है. तो ऑल ऑफ यू प्लीज गो अवे और मेरे को पूजा करने दो, माला फेरने दो. वो कहते भी ये कोशिश करते, खुशवंत सिंह भी थोड़ा टाइम है तो आप बात ही कर. बोला नहीं नहीं मेरे को बात नहीं करना, वैसे मैं कल का टाइम वेस्ट हो गया काफी, तो मेरे को क्या करना है, पूजा करना है. और ऐसे करते करते सी इज नो मोर और वो इस दुनिया को छोड़ के स्वर्ग सीधा जाती है. उनको नीचे लिटा देते हैं और चादर से उड़ा देते हैं और फिर सब लोग यू नो लास्ट राइड्स की तैयारी में लग जाते हैं. दिन का टाइम होता है, सब चिड़ियाएं आके बैठ जाती हैं. एकदम पूरा बरामदा जो होता है चिड़ियाओं से भरा, बर्ड से भरा रहता है, यू नो. फिर वो खुशवंत सिंह की मदर को याद आता है, वो जाती हैं रसोई से रोटी के टुकड़े लेकर आती है और वो बर्ड्स की तरफ थ्रो कर देती है, फेंक देती है खाने के लिए. टू हर सरप्राइज एंड टू एवरीवन सरप्राइज, जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़ियाएं होती है, उसकी तरफ देखती भी नहीं है. किसकी तरफ? क्रम्बल्स ऑफ रोटी, रोटी चपाती की जो टुकड़े होते हैं उनकी तरफ देखती भी नहीं, बिल्कुल भी खाती नहीं है. ऐसा लगता है कि वो भी दादी के खत्म होने से पूरी तरह से दुखी है और वो भी शोक मनाने के लिए आई है. जब दादी की डेड बॉडी चली जाती है तो बर्ड्स भी उधर से चली जाती है. मॉर्निंग में जो स्वीपर आता है रोटी के टुकड़ों को उठाता है और उनको कहाँ डालता है, डस्टबिन में डाल देता है. व्हाट द ऑथर खुशवंत सिंह वांट्स टू कन्वे दैट इट्स नॉट ओनली द ह्यूमंस, इवन द एनिमल्स, बर्ड्स, ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव अटैचमेंट. हम जैसा बिहेव करेंगे वो भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेंगे. बर्ड्स हैं, शुरुआत में तो क्यों आती हैं, वो सिर्फ रोटी के टुकड़ों के लिए आती हैं. लेकिन उनको रोटी के टुकड़ों से ज़्यादा अटैचमेंट किससे हो जाता है? ग्रैंड मदर से हो जाता है, दादी से हो जाता है. और रोटी को खाने की बजाय बिना खाए घर में वो चली जाती हैं. एंड द स्टोरी एंड्स हियर. आई एम श्योर यू मस्ट लव द स्टोरी. इफ यू लाइक व्हाट आई थॉट प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. थैंक यू सो मच.